गुड मॉर्निंग क्लास। सो आइए देखिए, लास्ट क्लास इसका पार्ट ए ख़त्म हो गया था, इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस रह गए थे जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे पास है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आप इरिटेट मत होइएगा, बट हाँ कोशिश करिएगा कि समझ में आ जाए। हाँ इसकी लैंग्वेज पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि कई बार आप लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, फिर भी ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आइए, द वेव लेंथ लैम्डा नॉट टू सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 200 नैनोमीटर, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक शो करने के लिए मैक्सिमम वेव लेंथ की वैल्यू कितनी दी है, 200 नैनोमीटर दिया है, यानी कि मुझे क्या दिया है, इट इज गिवेन लैम्डा नॉट इज 200 नैनोमीटर। अगर बताइए मुझे लैम्डा नॉट पता है, क्या मैं यहाँ से फाई निकाल सकता हूँ? हाँ देखिए फाई क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट होता है। तो देखिए क्योंकि ये नैनोमीटर में दिया, तो एच सी की वैल्यू हम क्या रख लेंगे, 1240, और लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 120, कितना दिया है 200 दिया है। चलिए 0 0 कैंसिल, इसको डिवाइड करिए, ये आ जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। आपको एक चीज़ अच्छे से पता होगी कि एक ही मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। चलिए ये तो जो दिया था हमने वहाँ से डिटेल्स निकाल ली, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फोटो इलेक्ट्रॉन विद द हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाई अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 120 नैनोमीटर। अब आपको स्टेटमेंट समझना बड़ी जरूरी है, आपको केस बना के समझना पड़ेगा, केस ए केस बी। कह रहा है आपके पास एक वेवलेंथ है जिसकी दिया हुआ वैल्यू 120 नैनोमीटर, राइट? ठीक है, वो कह रहा है कि केस ए में कोई एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ 120 नैनोमीटर दिया है। अब फोटोन है तो जाहिर सी बात है जब मेटल से स्ट्राइक करेगा तो वहाँ से एक फोटो इलेक्ट्रॉन को जनरेट करेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी। चलिए फिलहाल हम उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मेटल वही है तो फाई की वैल्यू भी वही रहेगी, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ से हम इसकी ई की वैल्यू निकाल लेते हैं, एनर्जी कैसे निकालते हैं हम, एच सी अपॉन लैम्डा से, एच सी की वैल्यू 1240 अपॉन लैम्डा कितना, 120, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करिए देखिए कितना बन जाएगा, लगभग आपको आई थिंक सॉल्व करेंगे तो 10.33 करके आएगा, हम 10.3 लेके चलते हैं। हाँ आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू कितना आ रही है, 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए मुझे फाई पता है कितना आया था, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मुझे ई भी मालूम चल गया कितना आया, दैट इज 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मुझे के ई मैक्स निकालना है, तो बताइए ई का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज फाई प्लस के ई मैक्स। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यही कहता है, ई की वैल्यू पता है आपको कितनी, 10.3, फाई की वैल्यू पता है आपको कितनी, 6.2, और आपको के ई मैक्स निकालना है। आप यहाँ से के ई मैक्स निकाल लेंगे, 6.2 की जगह ला के माइनस कर देंगे तो आपको के ई मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, इस वेवलेंथ की कोई एक फोटोन आ रही है, उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। आप हमें बताइए अगर मुझे दूसरी फोटोन भेजनी है जिसकी काइनेटिक एनर्जी, मुझे दूसरी मान लीजिए वो सेकेंड फोटोन बी है, दूसरी फोटोन भेजनी है जिसकी काइनेटिक एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी की हाफ हो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी शुड बी हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए जो आएगा उसका हाफ होना चाहिए। तो देखिए ए का काइनेटिक एनर्जी कितना आया था, दैट इज 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितने आना चाहिए, 4.1/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना चाहिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, यानी कि आपको बताना है कि अगर मुझे जो मेरा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी चाहिए तो उसकी वेवलेंथ हमें कितना रखना पड़ेगा, यानी कि हमें लैम्डा ए कैलकुलेट करना है।
बात समझ में आई आपको? हाँ, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, किसी भी एक पर्टिकुलर मेटल का मैक्सिमम वेवलेंथ यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया था, आपने वहाँ से उसकी वर्क फंक्शन निकाल ली। अब आपको कहा कि अगर 120 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ की मैं रेडिएशन को फॉल आउट कराऊँ, स्ट्राइक कराऊँ, तो वहाँ से एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पीछे कैलकुलेट किया गया है, राइट। अब कह रहा है कि अब मुझे एक और फोटो इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेकिन उस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होनी चाहिए, उसकी आधा यानी कि 2.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि अब मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चेंज कर दिया, तो बताइए लैम्डा की वैल्यू सेम रहेगी कि बदल जाएगी? वो भी बदल जाएगी। तो आपको नया लैम्डा की वैल्यू कितनी मिलेगी ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब हम इसको रब कर देते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले आप एनर्जी निकाल लीजिए, एनर्जी ऑफ फोटोन बी क्या होगा, एच सी अपॉन लैम्डा। एच सी की वैल्यू 1240 और लैम्डा की वैल्यू मुझे निकालना है, तो हमने लैम्डा ए लिख दिया। अब मुझे पता है ई की वैल्यू क्या होती है, दैट इज पाई प्लस के ई मैक्स होती है, राइट। तो देखिए ई की वैल्यू मुझे पता है कितना, 1240 अपॉन लैम्डा ए आ रहा है। फाई की वैल्यू आपको पता है या नहीं है? पता है ना, क्योंकि फाई तो वही रहेगा, फाई थोड़ी चेंज होगा, 10.3। जब फाई की वैल्यू क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि मेटल सेम है, मेटल चेंज नहीं हुआ, और जब तक आप मेटल नहीं बदलेंगे वर्क फंक्शन नहीं बदलेगा। एक टाइप के मेटल्स की वर्क फंक्शन हमेशा एक ही रहती है। प्लस के ई मैक्स की वैल्यू कितना आना चाहिए, 2.05। आप यहाँ से सॉल्व करिए तो ये पहले क्या मिल जाएगा, 1240 अपॉन लैम्डा ए, और आप इनको ऐड करिए, देखिए कितना बन जाएगा, आई थिंक 12. यहाँ लिख लेते हैं 12.35 बन जाएगा। सो क्या हम 12.35 को डायरेक्ट 4 लिख दे क्या? खैर छोड़िए, जान दीजिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 1240 दिस इज गोइंग टू बी 1240 इज इक्वल टू 12.35 इंटू लैम्डा ए। हमें लैम्डा ए चाहिए, तो लैम्डा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1240 अपॉन 12.35। मेरे हिसाब से लगभग 100 समथिंग आएगा, चेक कर लीजिए एक बार, किधर गया कैलकुलेटर, सो दिस इज गोइंग टू बी 1240 डिवाइडेड बाय 12.35, दिस इज 100.4, ऑलमोस्ट 100.4 नैनोमीटर में आंसर आएगा। सोचिए क्यों, लैम्डा की एसआई यूनिट तो मीटर होती है, वो ऐसा यूनिट होती है, हम एच सी की वैल्यू क्या लेके चले थे, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, यानी कि इस केस में वेवलेंथ किस में रहती है, नैनोमीटर में रहती है, इसीलिए हमारा आंसर भी किस में आया, नैनोमीटर में, ये हो गया इसका आंसर। यानी कि अगर मुझे 2.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए मुझे अपने लैम्डा की वैल्यू कितनी रखनी होगी, 100.4, एक्सक्यूज मी इसमें 150 दिया है, थोड़ा सा आप वेट कर लें, चले आइए देखिए यहाँ पर एनर्जी कितना की वैल्यू आई है, दैट इज 1240 अपॉन लैम्डा ए, लैम्डा ए नहीं लैम्डा बी ना, ये बी रहेगा, ठीक है, केस बी डिस्कस कर रहे हैं,
और फाई की वैल्यू पीछे कैलकुलेट किए थे कितना आया था 6.2, फाई की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि मेटल सेम है, प्लस के ई मैक्स, के ई मैक्स कितना आया, हाँ कितना आना चाहिए, दैट इज 2.05। इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना हो जाएगा 1240 अपॉन लैम्डा बी, और इनको ऐड करिए, देखिए कितना हो जाएगा 6 to 8, 8.25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या मिल जाएगा आपको, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज गोइंग टू बी 1240 इज इक्वल टू 8.25 लैम्डा बी। आप यहाँ से लैम्डा बी निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 1240 डिवाइडेड बाई 8.25। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी, देखिए कितना आएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 1240 डिवाइडेड बाई 8.25, दिस इज 150.3 मीटर, 150.3। अब यूनिट, क्या मीटर में आंसर आएगा, नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में, हाँ हमारा आंसर किस में आएगा, नैनोमीटर में आएगा। क्वेश्चन चल रहा होगा माइंड में क्यों, क्योंकि हमने एच और सी की एसआई यूनिट वाली वैल्यू नहीं रखी थी, हमने इसको किस में लिया था 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में लिया था, यानी कि उस टाइम पे लैम्डा की वैल्यू किस में रहेगी, नैनोमीटर में, क्योंकि आपने एससी की ये वैल्यू यूज की है, इसलिए आपको आंसर किस में मिल रहा है, नैनोमीटर में। आगे आपका आंसर 150.3 नैनोमीटर, आप चाहें तो आंसर को एक बार चेक कर ले, हाँ देखिए आंसर आएगा 150.3 मीटर, कर सकते हैं तो चलिए आइए नेक्स्ट। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन टू शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने के लिए क्या कंडीशन है, कुछ नहीं, हमें पहले से पता है कि कंडीशन जो होनी चाहिए वो बस इतनी सी है कि जो फोटोन आ रही है उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, वो वैल्यू कभी भी उससे कम नहीं होनी चाहिए। देखिए कंडीशन क्या है, अगर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन फाई, यानी कि अगर वर्क फंक्शन की वैल्यू जो एनर्जी आ रही है फोटोन की उससे ज़्यादा है तो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए फोटो इलेक्ट्रॉन को जनरेट होने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली फोटो इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यानी कि पहली कंडीशन, यहाँ से कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब आने वाली लाइट की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन या फिर इसके थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो या फिर उससे बड़ी वैल्यू हो, उससे छोटी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अगर वर्क फंक्शन की वैल्यू एनर्जी इंसिडेंट से बड़ी है तो हम क्या कह सकते हैं, ई की वैल्यू एच न्यू होती है, पाई की वैल्यू एच न्यू नॉट होती है, इसका मतलब न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से क्या हो, छोटी हो, यानी कि आने वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी से कम है या फिर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए उससे कम है, तो उस केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा। देखिए देन नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड एंड हेंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट बी ऑब्जर्व, क्योंकि जो मुझे पता है ये न्यू नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए। अब जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फोटोन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर इससे भी कम है तो कैसे निकाल पाएगा, मान लीजिए किसी भी मेटल का न्यू नॉट की वैल्यू 6 हर्ट्ज है और ये जो आ रहा है ये वैल्यू कितनी है 5 हर्ट्ज, कम से कम 6 हर्ट्ज चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इनके पास सिर्फ 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, क्या कभी भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं निकलेगा। इन दिस केस नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड एंड हेंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड। तो फिर कब होगा, जब एनर्जी क्या हो, वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाए या उससे बड़ी हो,
तो एच न्यू की वैल्यू या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू एच न्यू नॉट हो जाए, यानी कि जो न्यू की वैल्यू है, यानी कि आने वाली वेवलेंथ की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू या तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है उससे इक्वल हो या उससे बड़ी हो, तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा और आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, के ई मैक्स विल नेवर बी नेगेटिव। इस फोटो इलेक्ट्रिक के इफेक्ट में आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। इफ इन केस यू हैव गॉट देन नंबर ऑफ सॉरी देन नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व एंड नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी विल बी कंसिडर्ड एज जीरो। कई बार हो सकता है आपके कैलकुलेशन में आपको के ई मैक्स की वैल्यू नेगेटिव मिल जाए। अगर ऐसा मिल गया तो पहले आप क्वेश्चन को फिर से रीवेरीफाई करें। अगर फिर भी नेगेटिव मिल रहा है तो इसका मतलब उस केस में वहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। और जब इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम कितना ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। सिंपली आप सोचिए, अगर कभी भी के ई मैक्स वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव आ गई तो आप उसको जीरो कर देंगे। क्यों? क्योंकि के ई मैक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, देख लीजिए। ई की वैल्यू क्या होती है, फाइ प्लस के ई मैक्स होती है, राइट होती है ना। अब देखिए, फाइ की कुछ भी वैल्यू रखे आप, मान लीजिए 1 रखते हैं, तो के ई मैक्स की वैल्यू में 1 ऐड करेंगे, क्या के ई मैक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव होगी, नहीं होगी। या फिर आप चाहें तो के ई मैक्स का यहाँ से फॉर्मूला बना लीजिए। उसके लिए क्या करना होगा, फाइ को उधर भेजना होगा, यानी कि क्या बन जाएगा, ई माइनस फाइ। अब बताइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब शो करेगा, जब ई की वैल्यू फाइ के इक्वल होती है या फाइ से बड़ी होती है। अगर फाइ के इक्वल है तो फाइ माइनस फाइ जीरो हो जाएगा, यानी के ई मैक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है। दूसरा, ई की वैल्यू या तो उससे बड़ी हो, अगर ई की वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है तो माइनस करेंगे तो के ई मैक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। आपके के ई मैक्स की वैल्यू नेगेटिव तभी आ सकता है जब ये एनर्जी और फोटोन की वैल्यू क्या हो, छोटी हो। और हमें पता है कि अगर ये एनर्जी और फोटोन की वैल्यू फाई से छोटी हो गई तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ 400 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ पोटेशियम मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1.8066 × 10⁵ जूल पर मोल। यानी कि हमें लैम्डा की वैल्यू दिया है, राइट कितना दिया है, दैट इज गिवन 400 नैनोमीटर। और हमें क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो गिवेन 1.8066, राइट ये दिया ना, हाँ, × 10⁵ जूल पर मोल। पर मोल का मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी दिया है, हाँ वेरी गुड, इट इज गिवेन फॉर द 1 मोल। पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, हम क्या लिखेंगे, सिंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर गिवेन, कितना, 1.8066 × 10⁵ जूल, राइट, देयरफॉर। अच्छा 1 मोल को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, पहले 1 मोल मत लिखिए, पहले आप लिख लीजिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 फोटो इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ 1 मोल था, यहाँ 1 हो गया, यानी कि ये 1 मोल से उसको क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करिए, देखिए कितना हो जाएगा, 1.8066 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 1 मोल। 1 मोल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 Na। और हमें पता है 1.8066 × 10⁵ 1 Na की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 × 10⁰⁷ होता है ना। आप एक काम करिए, इस डेसिमल को यहाँ से हटा दीजिए, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 4 0 2 3 4
इसका डेसिमल हटाएंगे ऊपर कितना चला जाएगा 30, राइट। ये हो गया 18,000, ये 6,000। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपको क्या मिल गया देखिए, यू हैव गॉट 3×10^5×1000 अपॉन, नीचे क्या मिला आपको, राइट, 10,000×10^23। देखिए 1, 2, 3 ये कैंसल, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3×10^5/10^24। 23 पहले से था, एक 10 यहाँ पे है, 24 हो जाएगा। जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 10^5 − 24। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3×10^-19। क्या आ रहा है, ये जूल में आ रहा है, ये वैल्यू किस में दिया है हमें, जूल में। अब हम एक काम करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, 1.6×10^-19 जूल के इक्वल होती है। या हम इसको उल्टा लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम, 1.6×10^-19 जूल की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है, होती है ना। चलिए हम यहाँ से इसको क्या कर ले, 1 के लिए कर ले, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 जूल की वैल्यू 1/1.6×10^-19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। मुझे 1 जूल के लिए तो निकालना ही नहीं है, मुझे तो 3×10^-19 जूल के लिए निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे अब, 3×10^-19 जूल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1.6×10^-19 × 3×10^-19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगी, राइट। देखिए −19 − 19 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि −19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +19। एक −19 एक +19, दूसरे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3/1.6। इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए डेसिमल हटाएंगे ऊपर हो जाएगा 30, राइट। ये हो जाएगा कैंसिल 8×15×, सो 8×1 = 8, 7, 70, 8×64 = 660, 8×7 = 56, हाँ ये हो जाएगा 1.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलिए हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड या नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पोटेशियम, यानी कि हमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड निकालना है। देख वो क्या होता है, फाई, फाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, एच न्यू नॉट या एच सी अपॉन लैम्डा नॉट से। तो देखिए एक ये तरीका, दूसरा ये तरीका यूज कर लीजिए, क्योंकि आपको लैम्डा नॉट वगैरह नहीं दिया है, तब ये तरीका यूज करिए, E=φ + KE max, राइट। यानी कि हमें अगर एनर्जी मिल जाए तो हम वहाँ से फाई कैलकुलेट कर सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी तो मुझे पता ही है, एनर्जी चाहिए, हमें लैम्डा के वैल्यू दिया था ना 400 नैनोमीटर, हम यहाँ से एनर्जी निकाल लेते हैं। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी की वैल्यू हम किस में लेंगे, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और लैम्डा कितना है, 400 नैनोमीटर। तो ये 0 0 कैंसिल, इसको डिवाइड करिए, देखिए कितना आ जाएगा, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब आप क्या करिए, राइट, आपको ई की वैल्यू पता है कितना, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाई की वैल्यू अभी आपने नहीं, हमें वो निकालना है, के ई मैक्स की वैल्यू अभी आपने निकाला था कितना, 1.875। जब आप यहाँ से फाई कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.1 − 1.875 हो जाएगा। इसको देखिए सॉल्व करिए कितना आ रहा है, फाई की वैल्यू, राइट, 5, 2, ओके, एंड 2, 2, 2, 5,
ठीक है 1.225 आएगा, आप करके देख लीजिएगा 1.225 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। और क्या पूछा गया हमसे, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड, हमें मैक्सिमम वेवलेंथ भी निकालना है। तो बस आराम से निकल जाएगा, देखिए कैसे, हमें पाई का फॉर्मूला पता है, दैट इज एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। पाई की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर 1.225 और एच सी की वैल्यू 1240 अपॉन लैम्डा नॉट, यहाँ से लैम्डा नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1240 अपॉन 1.225। इसको डिवाइड करिए, देखिए कितना आ रहा है, सो 1240 डिवाइडेड बाई 1.225। अगर कैलकुलेशन सारे सही हैं तो देखिए आंसर आएगा 1012 नैनोमीटर। कुछ कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ लग रहा है, 1012 के आसपास आएगा नैनोमीटर में। एक मिनट हम थोड़ा सा ना इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ये यहाँ पे गड़बड़ नहीं हुआ है, 3.1 माइनस 1.225 सही तो आ रहा है ये, राइट। सो हाँ बाकी सब तो सही है, चलिए आंसर देखते हैं पहले। यहाँ पे तो आंसर दिया ही नहीं है, आंसर किधर है, फाई की वैल्यू, अच्छा फाई की वैल्यू जूल में निकाली गई है, यहाँ पे आया 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए हम लोग का कितना आया है, फाई की वैल्यू 1.225। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल में थोड़ी बहुत सी चेंज है, आप उसको जूल में बनाना है तो आप जूल में बना लीजिएगा। बस आपको क्या करना होगा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मल्टीप्लाई बाई 1.6×10⁻¹⁹ कर देंगे, आप सॉल्व कर देंगे तो आपको इसकी वैल्यू किसमें मिल जाएगी, जूल में कर लेंगे। और देखिए लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, लैम्डा नॉट की वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है ना, कैसे ये 1.86 आया है फाई की वैल्यू, एक मिनट, थ्री अपॉन 1.6 यानी कि 1.86 आ रहा है फाई, फाई की वैल्यू आ रही है 1.24, राइट, सॉरी ये वैल्यू यहाँ पे गलत है ना, इसको आप सही कर लेंगे, यहाँ पे होगा 1.24 और यहाँ भी होगा 1.24, फिर आप इसको डिवाइड कर देंगे, देखिए आपकी वैल्यू लगभग 1000 के अराउंड ही आएगी, 1.24 है ना, हाँ ये वैल्यू 1000 नैनोमीटर आएगी, कर सकते हैं, हाँ वो थोड़ी सी मिसप्रिंट थी वहाँ पर जो कि अभी सही हो गई है, कर सकते हैं ना, क्योंकि देखिए फाई की वैल्यू जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है वो वैल्यू कितनी है, राइट 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर गलती से वो कितनी लिख गई थी 1.86, इस वजह से ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 1.24 रहेगा, यहाँ भी 1.24 रहेगा, यहाँ भी 1.24, फिर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1000 नैनोमीटर आएगी, जो कि हम आपको सॉल्व किया आप वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। इफ न्यू नॉट
इज गिवेन एंड न्यू इज गिवेन. कैलकुलेट द के ई ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड. ठीक है, हमें न्यू नॉट दिया है, कितना दिया है देखिए, इट इज गिवेन 16 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज. फिर न्यू इज गिवेन 2 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स. ये हमारा न्यू दिया है. अब हमें आपको फॉर्मूला बार बार बताने की जरूरत नहीं है. E की वैल्यू क्या होती है बताइए, पाई प्लस के ई मैक्स. मुझे यहाँ से के ई मैक्स निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, के ई मैक्स इज ई माइनस पाई. ई की वैल्यू बताइए फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, क्योंकि इस बार फ्रीक्वेंसी दिया है ना, तो हम क्या लिखते हैं एच न्यू. पाई की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में एच न्यू नॉट. एच अगर मैं यहाँ से कॉमन कर लूँ क्या मिलेगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, राइट. तो आइए इस वैल्यू को यूज करते हैं और मुझे मिल गया एच न्यू की वैल्यू कितनी दी है, 2 इंटू 10 टू द पावर 15 माइनस न्यू नॉट की वैल्यू कितना दिया है, 16 इंटू 10 टू द पावर 14. ये एच हमारा कॉमन है. आपको पहले ही सिखाया गया था कि अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पावर वाले टर्म्स मिल जाएं तो आपको पहला काम क्या होता है, पावर को सेम करना होता है. तो आप देखिए ये 15 है ये 14 है, तो हम क्यों ना 15 को भी 14 बना लें. पावर कम करेंगे तो नंबर बढ़ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 20 इंटू 10 टू द पावर 14 माइनस 16 इंटू 10 टू द पावर 14. एक तो ये तरीका है, आप यहाँ से क्या कॉमन कर लेंगे 10 टू द पावर 14, तो अंदर क्या बच गया 20 माइनस 16, जिसको आप सॉल्व कर देंगे तो कितना हो गया 4, यानी कि आपको मिल गया 4 इंटू 10 टू द पावर 14 इंटू एच. अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका था, अभी हम बाद में बता देंगे, फिलहाल हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना. 4 इंटू 10 टू द पावर 14. अब एच की वैल्यू आप रख लीजिए 6.626 इंटू 10 टू द पावर यस माइनस 34 जूल सेकेंड. एच की वैल्यू यही होती है, तो अब क्या करिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आएगा. यहाँ रख कर देख के लिख देते ना. सो दिस इज गोइंग टू बी 4 6 24, 4 2 8 2 10, 24 25 and 24 26 इंटू 14 एंड माइनस 34. इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 20. इसको और अच्छे से अरेंज करेंगे ये हो जाएगा 2.6504 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. ये आंसर किसमें आएगा, जूल में. आपको यूनिट का ध्यान रखना होगा. क्यों जूल में आया, क्योंकि आप एच की वैल्यू किसमें रखे हैं, यस इन एसआई यूनिट. फ्रीक्वेंसी भी आपके एसआई यूनिट हर्ट्ज में चल रहा था, सेकेंड इनवर्स में, तो आपकी आंसर भी किसमें आ गई, एसआई यूनिट यानी कि जूल में. ये वैल्यू आ जाएगी 2.6504. आंसर चेक कर लीजिए. हाँ देखिए 2.6504 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल आ गया आपका आंसर. चलिए हाँ, दूसरी चीज़ जो आपको बताना था इसको, वो सॉल्व करने का तरीका, वो आप ऐसे भी कर सकते थे. आप H यहाँ से कॉमन कर लेते और यहाँ से देखिए क्या कॉमन मिलता, आप ये वाला लाइन जब छोड़ देते तो 10 टू द पावर 15 10 टू द पावर 14, तो दोनों में 10 टू द पावर 14 कॉमन मिल जाता. तो यहाँ से क्या बचा आपका 2, और 15 में से 14 बाहर निकालें तो भी एक 10 बचा होगा, फिर माइनस ये 14 का 14 पूरा बाहर, यानी कि यहाँ कितना बचा 16. तो ये देखिए क्या हो जाता है, h इंटू 10 टू द पावर 14, 2 10 या 20 माइनस 16 यानी कि 4. फिर से देखिए वही वैल्यू आ गई क्या, 4 इंटू 10 टू द पावर 14 इंटू एच. हाँ, तो ये तरीका था उसको सॉल्व करने का. अब उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, अब आप कर सकते हैं, राइट. तो चलिए अब आपको होमवर्क, हाँ आपको होमवर्क टाइम. एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है,
बस दो ही क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वैसे आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन यहाँ पर केमिस्ट्री में बिल्कुल 2% ही पढ़ाई जाती है, एक इंट्रोडक्शन बस दे दिया गया है। एक्चुअली ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपको फिजिक्स में अच्छे से पढ़ाई जाती है। कहाँ पर? फिजिक्स में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ाई जाएगी, ये फिजिक्स का टॉपिक है। बट थोड़ा सा हम आपको आइडिया तब तक दे देते हैं। मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है या कोई बॉक्स है। अभी क्या होता है, यहाँ से जब लाइट आती है, कई बार जब यहाँ से लाइट अंदर आती है तो ये लाइट इसके अंदर फंस के रह जाती है, यानी कि वो इनसे टकराती रहती है दीवारों से, और टकराते टकराते वो इसी के अंदर रह जाती है, वो यहाँ से लाइट फिर बाहर नहीं निकल पाती है। ये जो पूरा इफेक्ट है ना, इसी को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता जो कि आइडियल ब्लैक बॉडी हो। एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं किसका, ब्लैक होल का। ब्लैक होल कभी सुना आपने? आपने कई बार इस बारे में सुना होगा कि आपके एटमोसफियर में होल देखा जा रहा है, उस होल में कुछ भी भेजा जाता है वो गायब हो जाता है, वो चीज़ वहाँ से लौटती नहीं है, दैट इज ब्लैक होल। अभी उस पर भी डिस्कवरी चल रही है, फिलहाल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप चाहें तो आप गूगल करके थोड़ा सा उसके बारे में देख सकते हैं। तो ब्लैक होल को आप कह सकते हैं ब्लैक बॉडी का एक एग्जाम्पल। हाँ, वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ परफेक्ट के आसपास एक यही है। चलिए, कई बार क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट के अंदर अगर लाइट आती है और उसी के अंदर फंस के रह गई, हाँ, तो उस ऑब्जेक्ट को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। बात समझ में आई ब्लैक बॉडी क्या होती है? हाँ, अब इसमें क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जब ये बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो ये इसको हीट करेगा, और ये जितना ज़्यादा अंदर जाने के बाद हीट होगा ये उतनी ही हीट बाहर डिसिपेट करता है। यानी कि अगर ये बाहर से 10 जूल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया तो अपने अंदर से ये 10 जूल एनर्जी को बाहर भी इमिट कर देता है, यानी कि ओवरऑल इसकी टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? आइए थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, नहीं भी आएगी क्लैरिटी तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जब फिजिक्स से पढ़ाया जाएगा तो इतने डिटेल्स में वहाँ पढ़ाया जाता है कि अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। इन 19th सेंचुरी मैक्स प्लैंक वॉज द फर्स्ट टू गिव अ कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन फॉर द फिनोमिनन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मैक्स प्लैंक वॉज द फर्स्ट ग्रेट साइंटिस्ट हु गेव अस अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक थियरी एन आइडियल बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमिटर ऑफ रेडिएशन। कोई भी एक आइडियल बॉडी वो ऑब्जेक्ट होती है जो कि परफेक्ट एब्जॉर्बर हो, यानी कि आने वाले रेडिएशंस को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर ले, और परफेक्ट इमिटर भी हो, अपने अंदर के रेडिएशंस को कम्प्लीटली इमिट कर दे, बाहर को जनरेट कर दे, एंड इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी। उसी को उन्होंने क्या कहा, ब्लैक बॉडी कहा। द रेडिएशन इमिटेड बाई सच अ बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्योंकि वो बाहर से रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है और अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, तो उसके अंदर से जो रेडिएशन बाहर आती है उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को ब्लैक बॉडी कहा गया, तो ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन को क्या कहा गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, आपको चीज़ समझनी है। आपने कभी आयरन पे फोकस किया? आयरन, हाँ लोहा, ऐसे तो ग्रे कलर का आपको देखने को मिलता है। जब आप उसको हीट करते हैं, आपसे तो होगा नहीं कभी, अगर आपने ब्लैक स्मिथ लोहार को देखा होगा आपने, तो वो जब भट्टी में उसको जलाते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। हाँ, कभी आपने देखा कलर चेंज होते हुए? ऐसा क्यों होता है? एक जो आयरन की स्टिक होती है वो ग्रे कलर की थी या ब्राउन कलर का था, उसको बहुत ज़्यादा हीट करने पर वो रेड क्यों हुआ, उसका कलर क्यों चेंज हुआ? इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब बहुत ज़्यादा हीट होता है तो उसकी वेवलेंथ बदल जाती है। हाँ, अगर उसकी वेवलेंथ बदलेगी तो आपको पता है कि वेवलेंथ के बदलने से उसकी कलर भी क्या होती है, बदल जाती है, बिल्कुल बदलती हैं। हमने स्पेक्ट्रम जब पढ़ा रखा था लेक्चर नंबर 4 में, तो वहाँ पर चीज़ अच्छे समझाई गई थी, लेक्चर नंबर 4 या 3 में, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया गया था, अगर आप नहीं देखे तो आप वहाँ से कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो देखिए क्या दिया है, व्हेन सच अ बॉडी इज हीटेड
कोई भी ब्लैक बॉडी को जब बहुत ज़्यादा ओवर हीट किया जाता है, इट इमिट्स रेडिएशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, तो उसे ढेर सारी रेडिएशंस निकलती हैं। पहले जो वेवलेंथ निकलेगी उसकी वैल्यू कुछ और होगी, और हीट होने पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कुछ और होगी। यानी कि जैसे जैसे आप हीट करते जाते हैं वैसे वैसे उसकी वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती जाती है, बदलती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वेन एन आयरन रॉड इज हीटेड इन अ फर्नेस, फर्नेस क्या होता है, भट्टी, हाँ आग के बड़े बड़े भट्टी होती हैं उनको फर्नेस बोलते हैं। इट फर्स्ट टर्न्स टू डल रेड, जब बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो पहले तो वो डल रेड कलर यानी कि लाइट रेड कलर होगा, फिर और ज़्यादा हीट करने पे ये डार्क रेड में कन्वर्ट होता है, अगर और भी ज़्यादा हीट कर दें तो पहले वाइट और फिर ब्लू में वो कन्वर्ट हो जाता है। नोट, एनी ऑब्जेक्ट एट लो टेम्परेचर इमिट रेडिएशन इन इंफ्रा रेड, हाँ कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर आप लो टेम्परेचर पर उसकी रेडिएशन चेक करें तो वो कौन सी रेज होती हैं, इंफ्रा रेड होती हैं, और इंफ्रा रेड वेव्स को हम फील नहीं कर पाते, हम उनको देख नहीं पाते, यानी कि उनकी वेवलेंथ की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। सो इट अपीयर्स एज ब्लू और ग्रे, इसीलिए वो लगभग ब्लू या ग्रे कलर का दिखाई देता है, यानी कि जो आपको आयरन ग्रे कलर का दिखाई पड़ता है वो क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर से निकलने वाली रेडिएशन हमारे विजिबल रेंज की वेवलेंथ से बिलोंग नहीं करती है, उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। हम कितना देख सकते हैं, वी कैन सी द वेवलेंथ टिल 7500 एंगस्ट्रॉम या 750 नैनोमीटर, राइट, इनकी वैल्यू उससे बहुत ज़्यादा आगे होती है। सो इट अपीयर्स एज ब्लू और ग्रे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे घटने लगती है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेवलेंथ डिक्रीजेस एंड अपीयर्स इन विजिबल रीजन, अभी देखिए जब स्पेक्ट्रम हमने आपको दिखाया था तो हमने कहा था कि एक विजिबल रीजन होता है, इससे कम और इससे ज़्यादा कि वेवलेंथ वाले रेडिएशंस को हम देख नहीं पाते, यहाँ पे यूवी रेज थी और यहाँ पे इंफ्रारेड रेज थी, राइट। जब यहाँ पर इंफ्रारेड की वैल्यूज क्या हो, ज़्यादा, यानी कि वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो उस बॉडी को हम ग्रे कलर में देख सकते हैं। फिर जब आप उसको हीट करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, उसकी वेवलेंथ की वैल्यू लगातार कम होती है, ज़्यादा थी तो दिख नहीं रही थी, जैसे जैसे कम होने लगेगी, आप बताइए विब ग्योर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का, तो जैसे जैसे ये वैल्यू कम होती जाएगी होते होते वो रेड वाले रीजन में आ जाएगी, आपको किस कलर का दिखने लगता है, हाँ आपका आयरन बहुत ज़्यादा हीट होने पे रेड कलर का दिखने लगता है। यानी आप कह सकते हैं जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी वेवलेंथ की वैल्यू लगातार कम होती जाती है, और जब वो एक लिमिट में कम हो जाती है वो विजिबल रेंज में आ जाती है तो उसका कलर हमें कैसा दिखने लगता है, रेड कलर का दिखने लगता है। फिर ऐसे और उसको हीट करते जाइए, करते 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 आपको वो ब्लू कलर में भी दिखने लगेगा, हाँ वो जनरली पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा हीट करने पे ऐसा आता है, बट आपको ब्लू कलर भी देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हीट करते जाएंगे उसकी कलर लगातार चेंज होती जाएगी, क्यों, क्योंकि आप हीट कर रहे हैं तो उसकी वेवलेंथ की वैल्यू घट रही है और वो आगे बढ़ती जा रही है, यानी कि ब्लू तक पहुँच जाती है। तो आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जो एक बॉडी होती है जो कि रेडिएशन को कम्प्लीटली अब्जॉर्ब कर लें या फिर कम्प्लीटली इमिट करते हैं उनको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं, और उनसे निकलने वाले रेडिएशंस को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक एग्जांपल ब्लैक होल हो गया। दूसरा, जब आप किसी भी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो उसकी वेवलेंथ की वैल्यू लगातार कम होती है, और कम होने की वजह से उसकी कलर चेंज होने लगती है। चलिए ये नोट पॉइंट तो हो ही गया आपका, आइए इसका एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ग्राफ आपको ध्यान रखना होगा। एट अ गिवन टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इमिटेड इंक्रीजेस विद अ डिक्रीज इन वेवलेंथ। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे बताइए उससे क्या होगा, वेवलेंथ लगातार घट रहा होगा, हाँ, एंड रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो उसका एक छोटा सा ग्राफ बनता है। इस ग्राफ का नेचर को आपको ऐसे ही याद रखना है, हाँ ये वो वाले ग्राफ नहीं है जो इक्वेशन से बनाए जाते हैं, एक तरफ आपका इंटेंसिटी का ग्राफ होगा, दूसरी तरफ वेवलेंथ, और आपका ग्राफ का रीजन बहुत सिंपल सा है, ऐसे
फिर ऐसे ऊपर। आप ध्यान से देखेंगे तो जो ग्राफ है आपका धीरे धीरे पहले ऊपर जाता है, एक मैक्सिमम हाइट के बाद फिर वो ग्राफ नीचे जाने लगता है। बस अगर आपको T4 के लिए बनाना होता तो आपका क्या बनता ग्राफ, यहाँ मैक्सिमम पहुँचता फिर ये ग्राफ धीरे धीरे नीचे चला जाता, बस यही है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो एक मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा, फिर उसके बाद ग्राफ धीरे धीरे नीचे होके कहाँ चला जाएगा, ओरिजिन के अंदर। कर सकते हैं, चलिए आप इस ग्राफ को बना लेंगे और इस ग्राफ को आप याद रखेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट। तब तक इम्पोर्टेंट है जब तक अभी आप फिजिक्स में रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं पढ़े हैं। जब आप फिजिक्स में पढ़ लेंगे तो ये ग्राफ तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, आपको फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। चलिए कुछ कीवर्ड्स हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, आपको इन्हें हमेशा याद रखना है। हाँ, आपको इन्हें हमेशा याद रखना है, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनका यूज भी करेंगे। देखिए, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वैसे तो आप पढ़ रखे होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिजिक्स में भी आगे पढ़ाया जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, mv² / r। जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन शो कर रहा होता है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स, ये सेंटर उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसका फॉर्मूला क्या बनता है, mv² / r। हमेशा याद रखेंगे कितना होता है वो, mv² / r। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है k q1 q2 / r². ये तो आपको क्लास 7th में ही सिखा दिया जाता है, 8th में सिखाया जाता है, अगर फिर भी नहीं याद है तो अब याद रखेंगे। क्या होता है, k q1 q2 / r², ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहाँ k क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε₀। हाँ, इसको हम परमिटिविटी बोलते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, ये सारी वैल्यूज तो आप रट जाएंगे, जैसे आप 12th फिजिक्स स्टार्ट करेंगे वहाँ पे इतनी बार ये आती हैं कि आपको याद हो जाएगी, जैसे कि आपको एवोगैड्रो नंबर याद हो गया। खैर, तब तक आप जानते रहिए, देखिए, समझिए और भूल जाइए, उससे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1/4πε₀, Q1 क्या होता है, पहली बॉडी का चार्ज, Q2 क्या होता है, दूसरी बॉडी का चार्ज, और R क्या होता है, दो चार्ज बॉडी के बीच का गैप। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका चार्ज है Q1, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका चार्ज है Q2, राइट। दो चार्ज बॉडी के बीच हमेशा एक फोर्स काम करता है, वो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव तब होगा जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर के होंगे, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं तो उस केस में इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स ना होके क्या होता है, रिपल्सन फोर्स। और वो जो भी फोर्स हो, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, उस फोर्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं, सो दैट इज k q1 q2 / r² इक्वल होता है। आर क्या है, इन दो चार्ज के बीच का गैप, दोनों चार्ज को रखा गया तो उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम आर कहते हैं। बात समझ में आ गई, ये तो हुआ फिजिक्स का टर्म। केमिस्ट्री में भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, हम वहाँ पे कुछ और टर्म्स डिफाइन करते हैं। देखिए, मेरी केमिस्ट्री में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ऐसे ही होता है, होता है ना। अब हमें इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, किसके बीच का, इनके बीच का। तो देखिए, मान लीजिए हम इनके बीच का डिस्टेंस r लेके चलते हैं, तो बताइए पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, F=k q1 q2 / r² होता है, राइट। अब बताइए q1 आप इसको लेना चाहेंगे या इसको, आप किसी को भी ले सकते हैं। ये चार्ज कितना है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, एक ई, पर तो आप के लिखेंगे, आपने लिखे के ई, आपका पहला चार्ज क्या हो गया, ये ई हो गया। अब देखिए दूसरा चार्ज ये है, इसकी वजह से ये चार्ज के बीच में क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होगा। अब देखिए इसमें कितना चार्ज होगा, ये तो मुझे पता ही नहीं है। हाँ, 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट थोड़ी करेंगे, अब ये तो डिपेंड करेगा
कि इसकी एटॉमिक नंबर क्या है। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे। मान लीजिए मेरे पास अगर हाइड्रोजन एटम होता तो उसमें एटॉमिक नंबर 1 होती, यानी कि एक ही प्रोटॉन्स होता तो एक ही प्लस होता। हीलियम में 2, लिथियम में 3, बेरिलियम में 4। यानी कि ये चार्ज तो मुझे पता है कि जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतने प्रोटॉन का चार्ज होता है, बस एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, लेकिन चार्ज की वैल्यू तो उतनी होती है प्रोटॉन का भी और इलेक्ट्रॉन्स का भी। लेकिन समस्या ये है कि ये कितना चार्ज है, ये डिपेंड कर रहा अलग अलग एटम के लिए अलग अलग। आप बताइए, अगर मैं सोडियम एटम के लिए बात करूं तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे, 11 प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि मुझे पता है सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 होंगे। बात समझ में आ रही है आपको। अब मान लीजिए मैं पोटेशियम के लिए पूछूं तो आप बता सकते हैं, हाँ 19 प्रोटॉन्स हो जाएंगे क्योंकि उसके एटॉमिक नंबर 19 होती है। कैल्शियम में 20, यानी कि इसमें जितना जिस भी एटम का एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे, राइट। और एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ वेरी गुड, डेट इज जेड, रिप्रेजेंट करते हैं ना जेड से। तो देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं, ये जेड इंटू ई। अब आप सोचिए जेड ई क्यों लिखे हम, यानी कि कितने प्रोटॉन्स होंगे, जेड प्रोटॉन्स होंगे, और प्रोटॉन्स का चार्ज किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन्स के। तो आप चाहे जेड पी लिखिए या जेड ई लिखिए, बात तो एक ही है। तो हम जेड पी ना लिखे, हम क्या लिखेंगे, जेड ई, क्योंकि मुझे पता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज एक ही होता है, बस एक प्लस होता है एक माइनस होता है। ये बात आपको समझ में आई है, कर सकते हैं। ये क्या है, के क्यू वन, यानी कि इसका चार्ज एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ई। फिर क्यू टू, यानी कि इनका चार्ज, ये कितने प्रोटॉन्स होंगे ये डिपेंड करेगा उसके एटॉमिक नंबर पे। अगर ये 5, यानी बोरॉन के लिए देखेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 5 प्रोटॉन्स के चार्ज होगा, और 5 प्रोटॉन्स यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे नहीं पता तो मैंने इसका एटॉमिक नंबर जेड इंटू ई लिख दिया, अपॉन इनके बीच का गैप आर, तो आर का स्क्वायर। यानी कि आज से आपको अपने केमिस्ट्री के टर्म्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूला याद रखेंगे कि जेड ई स्क्वायर अपॉन आर क्या होगा, कि जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा। हमने क्या किया, जेड को आगे कर लिए, ई इंटू ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि आपको ये याद रहे ना रहे, आपको ये याद रखना होगा केमिस्ट्री के टर्म्स में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसी के साथ साथ आपको कई बार आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछा जाता है, किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। तो आप वहाँ पे कहेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, कितना होता है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होता है, कर सकते हैं। चलिए अब ये बात रह गई कि कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे या क्यों लेंगे नहीं लेंगे, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, आपको इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मोमेंटम, नाइन्थ में आपने सीख रखा होगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन शो करती है, यानी कि स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही होती है, तो उसका मोमेंटम पी का फॉर्मूला क्या बनता है, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन अगर आपसे कभी कोई एंगुलर मोमेंटम कह दे, एंगुलर मोमेंटम का मतलब अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन शो कर रही है तो वहाँ पर जो मोमेंटम होता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम इंटू वी इंटू आर। आपको इसका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पता है, उसी में इसके रेडियस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको उसका एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, याद रखेंगे। हाँ, ये सब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगला जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा इनका यूज है, तो आपको इनको पता होना चाहिए। और एंगुलर मोमेंटम कब डिफाइन होता है, सर्कुलर मोशन में। अभी आप समझ गए होंगे सर्कुलर मोशन कहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में मूव करते हैं, सर्कुलर मोशन शो करते हैं, तो वहाँ पे जो मोमेंटम डिफाइन होता है दैट इज एंगुलर मोमेंटम, और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। कर सकते हैं। चलिए आपके लिए चैलेंज क्वेश्चंस हैं, ए और बी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करेंगे हो जाएंगे। आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि हम चेक कर पाएँ, कर सकते हैं। चलिए टिल दैट
थैंक यू सो मच।